हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, खुशहाल्स होम गार्डनिंग में। ये आप अपने सामने देख रहे हैं, ये क्रिसमस ट्री है, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा। और इसके दो तीन नाम अभी और हैं, जैसे अरुकोरिया भी कहते हैं इसको, नॉर्फोक पाइन भी कहते हैं, मंकी पजल ट्री भी कहा जाता है इसको। ये काफ़ी खूबसूरत ट्री होता है, काफ़ी खूबसूरत प्लांट है ये। लोग इसको अपने घर में भी लगाते हैं काफ़ी लोग बाग, और कुछ लोग इसको बाहर भी लगाते हैं। देखिए, मैंने इसको आउटडोर लगाया हुआ है, डायरेक्ट नीचे लगाया हुआ है ज़मीन के अंदर, और काफ़ी बड़ा हो गया है ये। अभी ये देख सकते हैं, इसकी खूबी ये है कि इसकी जो हाइट है वो 30 से 40 फीट चली जाती है, मतलब आप कह सकते हैं 3 से 4 मंजिल हाइट चली जाती है। और इसकी जो लाइफ है वो 150 ईयर के करीब है। ये देखिए, ये बहुत प्यारी लीव्स होती हैं इसकी, देख पा रहे हैं आप। और ये मैंने पहले इसको पॉट में ही लगाया हुआ था, बट मुझे पॉट में इसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। उसके स्टेम जो देख रहे हैं ये काफ़ी, मतलब मुझे सेटिस्फाई नहीं था इसके स्टेम से, क्योंकि एक हमारे घर में दूसरा भी है, मेरी मम्मी के घर पे लगा हुआ है, तो उसका जो स्टेम है वो काफ़ी मोटा है। ठीक है, तो इसको जो तना कहते हैं वो काफ़ी मोटा है, तो इस वजह से मैंने इसको पॉट से निकाल के इसको नीचे ज़मीन में लगा दिया था। और आज देखिए, ये काफ़ी बड़ा हो चुका है अभी ये, करीबन इसकी जो हाइट है अभी 6 फिट के आसपास आ चुकी है। और मैं चाहता था इसको देखना कि ये इसको ज़मीन में लगा के क्या इसकी ग्रोथ होती है, किस तरह से चलता है ये। अगर आप चाहें तो अपने घर में भी लगा सकते हैं इसको, अंदर अपने पॉट के अंदर। बात करते हैं इसके सॉइल के बारे में। देखिए, ये है पहाड़ों का पौधा होता है, पहाड़ों का प्लांट है, तो पहाड़ों पर क्या होती है, एसिडिक सॉइल होती है। ठीक है, तो आप इसकी जो सॉइल है अपने घर में पॉट में जो बना सकते हैं, 40% आप गार्डन सॉइल ले सकते हैं, 10% आप नॉर्मल सॉइल ले सकते हैं, एंड 30% इसमें काऊ डंग इसमें यूज़ कर सकते हैं, मतलब गोबर की खाद यूज़ कर सकते हैं, एंड 10% इसमें थोड़ा रेतीली मिट्टी टाइप में यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी जो सॉइल है वो थोड़ा तैयार हो जाएगी, काफ़ी अच्छी इसमें सॉइल बन जाएगी आपकी। और देखिए, इसको मॉइस्चराइज़र बहुत काफ़ी पसंद होता है, जब भी इसकी वाटरिंग करें तो ऊपर से करिए, पानी यहाँ से ऊपर से गिरना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, इसकी लीव्स इसको साफ़ करते रहने चाहिए, इसको एक तरह से नहाना बहुत पसंद है ये, काफ़ी पसंद करता है, बट इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए आपके पॉट के अंदर, पानी वाटर जो है वो निकलता रहना चाहिए। ये देखिए कितना प्यारा पौधा है। एक चीज़ और, जो लोग इसको प्लांट को अपने घर में पॉट के अंदर लगाते हैं तो डायरेक्टली सनलाइट में ना रखें, अदरवाइज़ देखिए ये इसकी जो लीव्स होती हैं वो बर्न भी हो जाती हैं, जल जाती हैं। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप, ये देखिए ब्राउन कलर की हो चुकी हैं, जल जाती हैं ये। तो मेरे तो ज़मीन के अंदर लगा हुआ है तो इसको काफ़ी इतना इफ़ेक्ट नहीं आता है, क्योंकि धरती जो होती है नीचे से ठंडी भी होती है, आपको पता होगा, तो इसको इतना इफ़ेक्ट नहीं आता है। इसको मैं काऊ डंग का मैन्योर भी देता रहता हूँ, तो आप भी दे सकते हैं, साल में 2-3 बार इसको काऊ डंग का मैन्योर भी दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा होता है फर्टिलाइज़र में, इसको काउंटर मैन्योर दे सकते हैं। और अगर प्लांट आपके घर में पॉट में लगा होता है, आप एप्सम सॉल्ट का इसमें स्प्रे कर सकते हैं, जो कि इसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर इसको आप, जैसे मैंने बताया विंड, ये पहाड़ों का है पौधा है, तो इसको ठंड काफ़ी पसंद होती है, तो आप इसको अपने घर में जहाँ भी रखें तो देखिए फ़िल्टर इसको सनलाइट लगे, डायरेक्ट सनलाइट इसको नहीं चाहिए। ये देखिए, अब जैसे विंटर आ गई है तो इसके लिए काफ़ी अच्छा है, इस टाइम ग्रोथ करेगा, ग्रो करेगा। ये देखिए, एक चीज़ और इसमें बताना चाहूँगा, अगर इसकी यहाँ से कोई ब्रांच टूट जाती है, यहाँ से ये जो ब्रांच होती है, ये देख पा रहे हैं आप, ये टूट जाती है या कोई भी तोड़ देता है, तो ये दोबारा नहीं आएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये ब्रांच थी वो टूट गई थी, तो वो आज तक कभी नहीं आई है, तो ये इसमें ब्रांचेस नहीं आती है, तो थोड़ा ध्यान रखना। और उसकी सबसे दूसरी बात, इसके अंदर कभी 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 इसमें पॉट ऊपर से कटिंग कभी मत करना, अगर आप यहाँ से कटिंग कर दोगे इस पौधे की तो ये बढ़ेगा नहीं, ये प्लांट, ये ट्री बढ़ेगा नहीं कभी भी, तो ये इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे आप सभी पौधों के ऊपर से कटिंग करते हैं, तो इस पौधे की कटिंग ऊपर से नहीं होती है। बहुत खूबसूरत प्लांट है, आप अपने घर में इसको लगा सकते हैं। अभी क्रिसमस ट्री आ रहा है, क्रिसमस डे भी आ रहा है, इसमें आप कुछ लगा के सजा सकते हैं, दिवाली पे भी मैंने इस पर लाइटिंग की थी। ये देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है। कैसी लगी वीडियो? आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।
धन्यवाद।